भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भाई ने अपने बड़े भाई की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई ने मुजाहिदपुर थाने में जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच रिश्ते खराब थे और अक्सर उनके बीच विवाद होता रहता था। ऐसे ही एक विवाद में छोटे भाई ने यह कदम उठा लिया। वहीं मृतक की पहचान 35 वर्षीय अबू नसर के रूप में हुई है, जो मोहम्मद इसराइल का पुत्र है, जबकि आरोपी की पहचान अबू साहिद के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि छोटे भाई की शादी हो चुकी थी, जबकि बड़े भाई की जल्द ही शादी होने वाली थी। बताया जा रहा है कि पीड़ित नशे का आदि था, जिसके कारण अक्सर भाइयों के बीच विवाद होता रहता था और आखिरकार यह दुखद घटना हुई। वहीं घटना के बाद मृतक की बहन और परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और रोते बिलखते नजर आए। वहीं घटना को लेकर DSP 2 राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और शुरुआती जांच में यह पता चला है कि हत्या भाई बहन के बीच विवाद का नतीजा है। फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है और जांच में मदद के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया है। सूचना मिली थी कि हुसैनपुर महल के वार्ड नंबर 40 में, जो कि मुजाहिद थाना में पड़ता है, कि छोटे भाई के द्वारा अपने बड़े भाई को चाकू द्वारा मार हत्या कर दी गई है। छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया है और FSL की टीम बुलाई गई है और फिर कार्रवाई की जा रही है। क्या कारण सर अभी तक प्रथम दृष्टि क्या रहे सर? जैसा बता रहे लोग, उठा के लोग स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दोनों भाई को आपस में बराबर असल में झगड़ा झंझट करते रहते थे, उसी लेकर कतई हत्या की होगी। और नशा का भी बात कहा जा रहा है सर, ऐसी अभी तो कि बड़ा भाई नशा करता था, कई बार थाने में भी इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन ऐसा बात तो नहीं है। खाली बात था कि दोनों भाई आपस में झगड़ा झंझट करते रहते थे। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बड़ा भाई जो की काफी मंदबुद्धि के लोग था, वो जो अक्सर अपने छोटे भाई के साथ बातचीत किया करता था, उसी में सोचा था कि गुस्सा मार के अभी तक होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्य विद्यालय दीननगर, मध्य विद्यालय पिस्ता, मध्य विद्यालय फुलवरिया, मध्य विद्यालय जगदीशपुर, मध्य विद्यालय भवानीपुर देसरी सहित जिला एवं प्रखंड के सभी विद्यालयों में विभिन्न खेल प्रतियोगिता आयोजित किया गया। वहीं मध्य विद्यालय जगदीशपुर में विशेष चेतना सत्र आयोजित कर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को नमन किया गया। उसके बाद नींबू दौड़, बोड़ा दौड़, गणित दौड़, जिलेबी दौड़ सहित कई प्रकार के खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि खेल अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उससे बच्चे शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप से समृद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अधिगम प्रक्रिया में खेल सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गुरुवार को स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा एक रैली निकाली गई। रैली सैंडिस कंपाउंड स्थित इंडोर स्टेडियम से निकलकर घूरन पीर बाबा चौक समाहरणालय होते हुए सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान छात्रों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आम लोगों को खेल के प्रति जागरूक किया। रैली को लेकर समाज सेवी सह खेल प्रेमी जयप्रकाश यादव ने बताया कि आज खेल दिवस है और बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। रैली में काफी संख्या में स्कूली बच्चे और विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ी मौजूद रहे। खेल दिवस है, बच्चों में जागरूकता के लिए, खेल के प्रति लोगों में बढ़ावा के लिए, खेल के प्रति लोगों का जुड़ाव, इसलिए आज हम लोगों ने जागरूकता रैली निकाले हैं। अच्छा, ये रैली कहाँ तक जाएगी? अभी लाइन से सर्विस कंपाउंड गेट में पहुँचे, बैडमिंटन हॉल जाके मनाली चौक पर समाप्त होगा।
भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के तहवलपुर में लाल कुआं के नाम से मशहूर ऐतिहासिक धरोहर को भू माफियाओं ने जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जिस ढांचे को गिराया गया है उस पर मावंडिया सूजागंज भागलपुर और वर्ष 1332 अंकित है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जगह पर लाल कुआं था जो पूरे इलाके में मशहूर था। हालांकि अपनी कीमती जमीन के कारण यह लंबे समय से भू माफियाओं के निशाने पर था, जिन्होंने आखिरकार देर रात जेसीबी की मदद से पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर लोदीपुर थाना अध्यक्ष और सबौर सीओ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं घटना में शामिल भू माफियाओं ने दावा किया है कि यह जमीन उनके परदादा की है और उन्होंने ही जर्जर ढांचे को गिराया है। इस बीच सबौर सीओ सौरभ सिंह ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जाएगी, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि पंसार टाइप का था, पानी वानी पीने के लिए इसका उपयोग करते थे, उसको तोड़ा गया है, तो अभी इसके इंक्वायरी चल रही है कि ये सामुदायिक स्थल था या किसी का निजी स्थल था। अगर ये किसी का निजी स्थल था तो उस पर उसका अधिकार बनता है, तो अभी हम लोग कर्मचारी के द्वारा पूरा इंक्वायरी करवा रहे हैं। हम हैं और साथ में लोदीपुर थानाध्यक्ष भी हैं, हम लोग इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं और जैसा भी होगा उस अनुसार हम लोग कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। अगर कोई इसमें दोषी पाया गया तो उन पर कार्रवाई होगी, अगर कोई इसमें दोषी नहीं है तो फिर हम लोग इसमें उन पर कोई उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे, पर हम लोग पूरे कागजी चीज़ों को देखने अवलोकन करने के बाद ही निर्णय लेंगे। देखिए कार्रवाई नहीं, ये इंक्वायरी है, कार्रवाई इंक्वायरी के बाद होती है, इंक्वायरी का कोई एक टाइम लिमिट नहीं होता है। मेरी बात समझे, वो आज भी हो सकती है, अगर लगा कि दो दिन और जरूरत है तो दो दिन और लगेगा, पर जैसे इंक्वायरी हो जाता है सारा चीज पता चलता है तो कार्रवाई त्वरित होगी। खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ नशीले पदार्थों के खतरे के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गुरुवार को सबौर हाई स्कूल के मैदान में एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन के तहत एक फुटबॉल मैच का आयोजन भागलपुर पुलिस की ओर से किया गया। वहीं आयोजन स्थल पर भागलपुर के सिटी SP श्रीराज, विधि व्यवस्था DSP चंद्रभूषण और सबौर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के अलावे अन्य पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जहां सबौर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने सिटी SP श्रीराज का बूके देकर स्वागत किया, वहीं सिटी SP श्रीराज ने कहा कि इस प्रकार के खेल का आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस और पब्लिक में आपसी रिलेशनशिप को बढ़ाना है और एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करना है। वहीं फुटबॉल मैच को खिलाड़ियों ने बहुत ही तन्मयता के साथ खेला, जिसके बाद मैच जीतने वाले टीम को सिटी SP श्रीराज ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। भागलपुर नौगछिया के नारायणपुर में उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब पैसेंजर ट्रेन संख्या 05250 के रास्ते में भैंस आ गई। ट्रेन चालक ने तत्परता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, लेकिन भैंस फंसने से पहले ही कुछ दूर तक घसीटती चली गई। वहीं घटना में बरौनी कटियार रेल खंड पर नारायणपुर और बीपुर रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 79/03 के पास हुई। बताया जाता है कि जब पैसेंजर ट्रेन नारायणपुर स्टेशन से बीपुर स्टेशन की ओर जा रही थी तभी बलहा गांव के पास रेलवे ट्रैक के पास भैंस चर रही थी। ट्रेन चालक के हॉर्न बजाने के बावजूद भैंस ट्रैक से नहीं हटी और ट्रेन की चपेट में आ गई। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा टल गया। बाद में रेल कर्मियों ने ट्रेन में फंसी भैंस को निकाला। हालांकि इस घटना के कारण अप लाइन पर कई घंटों तक रेलवे परिचालन बाधित रहा। बांका अमरपुर प्रखंड के खंजरपुर गांव में एक बाइक सवार 3 युवकों द्वारा एक वृद्ध महिला को ठोकर मारने की घटना के बाद एक अजीबोगरीब घटनाक्रम सामने आई, जहां महिला को ठोकर मारने के बाद एक युवक ने अपनी देसी कट्टा और गोली एक कमरे के चूल्हे में छुपा दी, जिससे चूल्हे में रखी गोली गर्म होकर फट गई। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना के दरोगा राहुल कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को गिरफ्तार कर थाना लाया, जिसके बाद युवक का अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया।
अमरपुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा ने बताया कि जानकारी मिली थी कि खंजरपुर गांव में एक युवक को देसी कट्टा के साथ ग्रामीणों ने पकड़ कर रखा था, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, एक अपराधी आया उधर से मतलब एक गोली डाल दिया था, बाद में पता चले तो वो पता चला तो हल्ला हुआ तो बहुत सारे लोग जमा हो गए। क्या नाम बताया आप? विनोद कुमार। पुलिस आई? फिर पुलिस आई तो उसको पकड़ के लिए।